बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करूंगी वो है पुदीना पुलाव की। और ये जो हमारे घर में जिस तरह बनता है मैं वो रेसिपी आपको बताऊंगी, और ये बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो मैंने लिया है वो मैंने लिया है 1 किलो चावल लिए हैं, जिनको आधा घंटा हो चुका है मैंने भिगोए हुए हैं। और ये कायनात चावल है, हमारे घर में यही यूज़ होते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद 1 किलो ही मैंने चिकन लिया है। अगर आप कम भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 किलो ही लिया है। तो 3 टमाटर हैं, 6-7 हरी मिर्चें हैं, जो आधी मैं कूट के डालूंगी और आधी मैं वैसे इनको साबुत डालूंगी। और जो है ये गरम मसाला है, ये 1 टेबलस्पून है। और इसमें इलायची, ये देख लें आप, इलायचियाँ 2 हैं, बड़ी इलायची और ये दालचीनी, और ये 1 टेबलस्पून है। और ये इमली जो है ये भी 2 टेबलस्पून है। और 2/3 कप जो है ये दही है। और अदरक का पीस मैंने ये लिया है, इसमें से हाफ मैं कटिंग करके डालूंगी, हाफ जो है इसको मैं कूट लूँगी। और लहसुन का जो गट्ठा है ये छोटा गट्ठा मैंने लिया है। 2 जो है ये पुदीने की गठियाँ हैं जिसको मैंने काटा है, इनके पत्ते निकाल के उसकी कटिंग की है। और 3 प्याज हैं, बड़े साइज़ के थे। और अब चलते हैं इसको बनाने के जी। ये मैंने घी पहले से गर्म कर लिया है, मैंने ये 1.5 कप जो है, 1.5 कप जो है मैंने घी लिया है। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूंगी प्याज। प्याज को हमने सिर्फ 4 से 5 मिनट इसको करना है फ्राई। उसके बाद साथ ही हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे 4-5 मिनट बाद, फिर मैं आपको दिखाती हूँ प्याज फ्राई होता है। जी अब ये 5 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई होते हुए, अब मैं इसमें चिकन ऐड करने लगी हूँ। चिकन को और इसको एक साथ ही करेंगे, दोनों साथ फ्राई हो जाएंगे। तो पानी बीच में ना जाए इसलिए मैं हाथ से डाल रही हूँ। और अब इन दोनों साथ फ्राई हो जाएंगे, साथ में मैं नमक ऐड कर दूंगी। नमक करूंगी इसमें मैं 2 टेबलस्पून, लेकिन नमक जब आप चावल बनाते हैं आपने चेक कर लेना है यखनी में से कि सेट है या नहीं है। 2 टेबलस्पून अभी मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ये जितना अच्छा चिकन फ्राई होगा उतना ही अच्छा यानी कि टेस्ट आता है पुलाव के अंदर। और भुना हुए जब इसकी यखनी भी निकलती है तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। इसलिए मैं अब ये दोनों के साथ प्याज भी जो है वो भी ब्राउन हो जाएगा, और साथ साथ चिकन भी जो है वो भी फ्राई हो जाएगा। तो अब इसको नॉर्मल फ्लेम के, मिड फ्लेम के ऊपर ही करना है, ना स्लो पे ना हाई पे नहीं करना। तो अब ये फ्राई हो रहा है, अब इसको मैं, इसको 10 मिनट लग जाएंगे फ्राई होने में ना, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको 13 मिनट हो चुके हुए हैं इसको भूनते हुए। तो आप इसका कलर देख सकते हैं, माशाल्लाह इसका कलर कैसा चेंज हो चुका है, प्याज का भी और चिकन का भी। तो ये भूनना ज़रूरी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देख सकते हैं आप किस तरह माशाल्लाह, और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इस तरह साथ में मैं डाल लूँगी अदरक लहसुन जो मैंने कूटा है, इसको तकरीबन 3 मिनट इसको भूनूंगी। और इसको भूनने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें और टमाटर, लेकिन 2-3 मिनट इसको भून लूँ। लहसुन जो होता है ना, इसकी अदरक जो उसको भूनते हैं, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके साथ ना। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। आप लोग अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, कमेंट्स करते हैं, आपके कमेंट्स देख के बहुत हौसला अफजाई होती है। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। और जिन लोगों ने प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक किया करें, शेयर किया करें। और बहुत शुक्रिया फिर से अगेन, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। खुश रहें, बाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे भी दुआ में याद रखा करें। अब साथ में मैं इसमें डालने लगी हूँ टमाटर। और आप देख सकते हैं ये जो है चिकन है तकरीबन भुनाई में गल चुका हुआ है,
इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है इनके पानी में, तो ये आपको फील हो रहा है भाई, नज़र आ रहा है गल चुका हुआ है। और अब साथ में ही मैं इसमें हरी मिर्च जो मैंने कूटी है वो ऐड करूँगी, लेकिन प्लीज़ आप लोग ये हरी मिर्च जो है ये आपको मैंने हमें मतलब जब भी मैं डालती हूँ बताती हूँ कि ये तेज़ नहीं है इसका, बस ये टेस्ट के लिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसलिए मैं डालती हूँ। और ये ना हो कि आप लोग हरी मिर्च तेज़ वाली डाल के फिर आप बोले नूरे रूज ने हमें क्या बता दिया जी, तो इसलिए आप इसको हरी मिर्च तीखी मत डालिएगा। और ये तीखी नहीं है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है बस, तो इसलिए मैं कूटी भी डाल रही हूँ साबुत भी डालूँगी। दो मिनट इसको भूनेंगे, हरी मिर्च से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप भी यूज़ कीजिएगा, लेकिन कड़वी नहीं करनी, जो कड़वी डालेंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल चावलों का और तरह का हो जाएगा, स्पाइसी टेस्ट हो जाएगा। दो मिनट से भून के और अब साथ में ही मैं ये जो है अदरक और हरी मिर्च, ये हमने कटा हुआ जो अदरक है ये पसंद है इसलिए हम डालते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप बेशक ना डालें, कोई मसला नहीं है। और साथ में ही ये गरम मसाला साबुत जो है, गरम मसाला मैं साबुत ही ऐड करूँगी, मैं पिसा हुआ ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि जो पिसा हुआ गरम मसाला है वो आपके स्टमक में मेदे में जलन करता है, तो जब खाना खाने के बाद अक्सर लोग कहते हैं बहुत जलन हो रही है, सार पड़ रहा है, इस तरह का बोलते हैं, तो वो गरम मसाले से होती है, तो इसलिए आपने देखा होगा मैं बहुत कम गरम मसाला पिसा हुआ यूज़ करती हूँ, तो आप लोग भी कोशिश किया कर जितना कम से कम यूज़ कर सकें, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, कि सही नहीं है और आप नहीं यूज़ करेंगे तो ये अच्छा है, तो आप मुझे भी देखते हैं मैं भी बहुत कम यूज़ करती हूँ जी। अब मैं साथ में इसमें जो दही है ये ऐड करने लगी हूँ, जिसको मैंने अच्छी तरह से इसकी गुठली ख़त्म की हुई है, तो आप इसको इस तरह कर लीजिएगा। और इसके अंदर मैं हाफ टी स्पून जो है वो मैं रेड मिर्च ऐड करूँगी, और सूखा धनिया पाउडर जो है वो 2 टेबलस्पून में इसमें ऐड करूँगी, और जो काली मिर्च है वो 1.5 टेबलस्पून इसमें मैं यूज़ करूँगी, बाकी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आप चाहते हैं। और हाफ टी स्पून जो है वो इसमें मैं दरदर मिर्च जो है वो ऐड कर रही हूँ, और हाफ टी स्पून भर के मैं इसमें भुना हुआ ज़ीरा पाउडर जो है वो ऐड कर रही हूँ, बस ये चीज़ें डालेंगे और इसको 2 मिनट भून के, साथ में ही जो है मैं इसके अंदर पानी मैंने गर्म करना रख दिया हुआ है, और चावल जो थे वो इसको मैंने ग्लास से किया था, वो 2.5 गिलास थे, 1 किलो चावल जो थे 2.5 गिलास थे, हमारा ग्लास बड़ा है तो इसलिए वो 2.5 गिलास थे, और मैंने 3 गिलास में पानी रख रही जो मैंने गर्म करने पानी रख दिया हुआ है, और वो पानी जो है मतलब कि मैंने 1/2 गिलास ज़्यादा लिया चावलों से, और ये बहुत है कुछ हमारा जो चिकन है गल चुका हुआ है, पक चुका हुआ है, तो इसलिए मैं पानी इसमें फिर थोड़ा सा कम डाल रही हूँ, अगर हमारा चिकन जो है वो कच्चा होता तो फिर हम इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड कर देते क्योंकि फिर पानी खुशक हो जाना था, अब ये पानी भी गर्म है और ये भी तैयार है, इसलिए इसके जैसे उबाइल आएगा मैं सारा चावल डाल दूँगी, तो इसलिए पानी मैंने इतना लिया है, आप लोग अपने हिसाब से इस तरीके से ले सकते हैं, मैंने इतना लिया है। ओके, ये हांडी जो होती है ना इसमें चावल जो होते हैं ना जल्दी पक जाते हैं, मतलब कि इसको थोड़ा सा पानी कम लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि ये मिट्टी की होती है इसकी स्टीम बहुत हीट बहुत ज़्यादा होती है तो ये हीट में गल जाते हैं, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी अपने हिसाब से कम यूज़ कर रही हूँ, आप लोग जो बनाते हैं अपने तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये अब जाएगी इसके अंदर इमली, ये भी साथ ही, अभी तो चम्मच जैसे मर्जी मैं लगा रही हूँ, जब आप चावल डाल देंगे फिर आपने इसके अंदर चम्मच लगाना है, बहुत ही मोहब्बत से लगाना है, अभी मैं आपको बताऊँगी आपने किस तरह चम्मच लगाना है, जो आपके चावल टूटे ना, तो जब चावल टूट जाए तो चावलों का मज़ा सारा ख़त्म हो जाता है, चावल टूटने नहीं चाहिए आपके ना, तो अब मैं साथ में इसके अंदर डालूँगी पानी। I'm really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. I'm really fine.
जब मैंने इसको 3 से 4 मिनट जखनी है मैंने पका लिया, अब इसका मैं नमक चेक करूँगी इसका नमक कैसा है। और आपने ये ज़रूर चेक करना है क्योंकि अगर आप इसको चेक करेंगे यखनी में नमक कम होगा तो आपके चावल इतने अच्छे नहीं बनेंगे। तो मैं इसको चेक करती हूँ, नमक कम है। अगर यखनी में नमक कम होगा तो आपके चावल जो है परफेक्ट नहीं आएंगे। और यखनी थोड़ी नमक नमकीन होनी चाहिए, यानी कि फीकी यखनी होगी तो वो नॉर्मल से बनेंगे। इसलिए मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है इसमें ऐड करने लगी हूँ नमक। ओके, अब इसमें नमक जो वो तीखा हो जाएगा तो फिर चावलों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसमें चावल डालने लगी हूँ और ये चावल इसमें डाल दिए मैंने। और अब इसके साथ में ही पुदीना जो मैंने काटा हुआ है, कटिंग किया हुआ है, आपने डालना है इसके अंदर कट करके। अब इसको हल्का सा चम्मच लगाऊंगी ये नीचे हो जाए सारे। और जब हम चावलों को चम्मच से लगाना है तो अच्छे से ऐसे राउंड में लेके ना, राउंड शेप में हल्का सा यूं कर दिया करें, हला दिया करें बस। फिर आपके चावल कभी भी नहीं टूटेंगे और बहुत परफेक्ट बनेंगे। अब मैं इसको ज़्यादा चम्मच नहीं लगाऊंगी। जब आप चावल डाल दें फिर आपने चम्मच कम से कम लगाना है क्योंकि ये पता चल जाएगा तो थोड़ा सा उसमें। अगर इसको मैं 3-4 मिनट पकाने के बाद फिर इसको दम देते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग ये ट्राई करें। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी अच्छी, किस तरह मतलब ये पसंद आई है कि नहीं आई, क्योंकि हमारे घर की ये बहुत फेवरेट रेसिपी है पुदीने पुलाव की। और जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स पे कहा हुआ था उनके लिए मैं बहुत माजरत चाहती हूँ क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ। काफ़ी देर से इसका मुझे कमेंट्स आ रहे थे, व्हाट्सएप पे भी आ रहे थे और कमेंट्स में भी है कि 2-3 मरतबा आया हुआ है पुदीने पुलाव का। तो सॉरी, माजरत चाहती हूँ, लेट हो गई हूँ। तो कोशिश तो करती हूँ कि जो मुझे कमेंट्स आता है मैं जल्दी से जल्दी उसकी जो है उनकी रिक्वेस्ट वो पूरी करूँ, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करें जल्दी से जल्दी करूँ। और अब ये अभी पक रहा है तो बस इसको 3-4 मिनट पकाते हैं, थोड़ा सा पानी कम हो जाएगा फिर हम इसको दम देंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी ये 4 से 5 मिनट हो चुके हैं तो ये जो पानी इतना रह गया इसमें हम दम देंगे। और मैंने ज़्यादा चम्मच इसमें नहीं लगाया। अब आपको दिखाने लगी हूँ कि थोड़े चावल भी अभी सख्त ही हैं, ये देख सकते हैं आप। अभी ये कन्नी इसमें है तो इस कन्नी में ये जो चावल हैं हो जाएंगे, इतने जो इसमें पानी है। अब दम देंगे इसको 10 मिनट, हम इसको दम देंगे, 5 मिनट इसकी फ्लेम रखेंगे और 5 मिनट के बाद मैं इसको फ्लेम बंद कर दूंगी और ये इसी तरह ही रहेंगे। इतना आपने ज़रूर रखना है। अब मैं इसके साथ में रुमाल नहीं दे रही, इसकी बाहर स्टीम नहीं आएगी तो ये इसी साथ में दे रही हूँ रुमाल के बगैर ही ना। तो अब इसकी फ्लेम जो है वो स्लो करके तब रखने लगी। जब मैं आ रही हूँ इसके साथ जो ब्लॉक सा सैलड चाहिए उसके लिए मैंने ये जो है थोड़ी सी बंद गोभी जो है मैंने बरीबरी काटी है, दोनों कलरफुल गोभी हैं, एक छोटा टमाटर है उसका मैंने गुदा निकाल के साइडें काटी हैं, एक हरी मिर्च है जिसके मैंने अंदर से 4 पीस करके यानी कि इसको बरीबरी काटा है, तो देख सकते छोटी छोटी बरीबरी कटी है, और एक नॉर्मल साइज़ का प्याज है, तो 2 लेमन है, खीरा जो है मैंने एक कटिंग कर लिया है, और ये जो चटनी है ये मैंने घर पर बनाई है। तो अब आपको इसका जो लिंक है वो नीचे मैं साथ दे दूँगी, आप उसको बना सकते हैं इस तरीके से। और ये जो दही है ये भी मैंने घर पे जमाया है और माशाल्लाह आप इसको देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना थिक माशाल्लाह ये दही जमा हुआ है। और आप ये भी घर में बनाया करें, साफ़ सुथरा और एक हर चीज़ से महफूज, और आप ये बनाया करें। तो इसके अंदर मैं ये 1 चम्मच जो है रायते का जो है मैं ये डाल दूँगी, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और तकरीबन इसमें 2 चुटकी जो है मैं नमक ऐड कर दूँगी के अंदर, बहुत अच्छा और बहुत मज़े का ये रायता बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें इतना पसंद है हम इतना ही डालेंगे। और अब आते हैं इसकी तरफ मिक्सिंग, इसको मिक्स करते हैं। मैंने प्याज को नमक लगा के वॉश नहीं किया, हम लोग नहीं पसंद करते वॉश किया हुआ। अगर आप लोग वॉश करना चाहते हैं तो इसको पहले थोड़ा सा नमक लगा के 1-2 मिनट के लिए इसको मसल के इसका पानी निकाल लें। तो इसके अंदर जो है ये मैं 2 पिंच जो है मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, 2 पिंच, और इसके अंदर ब्लैक पेपर जो है वो भी 2 पिंच करूँगी,
ये अब इसके अंदर मैं कर दूंगी लेमन का, फिर इसको मिक्स करेंगे। दो लेमन भी मैंने ऐड किए हैं। ये सैलड जो है ये पुलाव से बहुत मज़े का लगता है, आप लोग ये बनाएंगे तो ऐसे ही बनाइएगा। और फिर मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि ये कैसा आपको लगा, खाने में भी और बनाने में भी, दोनों में कमेंट ज़रूर आप किया करें प्लीज़। कमेंट्स या हौसला ज़ही होती है आप लोगों से। अभी इसको मैंने निकाल लिया, अब इसको मिक्स कर देते हैं। और ये बहुत अच्छी और बहुत मज़े की सैलड ये बनती है। जो प्याज को वॉश करना चाहे वो कर सकता है, और जो प्याज मैंने लिए इतना कड़वा भी नहीं है। अगर बहुत प्याज कड़वा होना फिर उसको वॉश कर लें, क्योंकि उसकी कड़वाहट ही आती जाती है फिर जब आप खाते हैं ना। क्योंकि हमारे घर में पसंद ही नहीं करते वॉश हुआ हुआ, इनके नमक से वॉश हुआ नहीं पसंद करते। अब ये रेडी है, रायता भी रेडी है, और ये खीरा, ये भी, ये हमारी जो सैलड है ये पुलाव के साथ, ये भी रेडी है। अभी दम पे हमने किया हुआ है, दम पे रखे हुए हैं चावल। तो जैसे फिर दम इसका खुलता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। जब जब इसको मैंने दम जो दिया है, ये मैंने इसको दम दिया है 20 मिनट दिया है। मैंने आपको 10 मिनट बोला था लेकिन 10 मिनट में नहीं तो मैंने चेक किया था, तो मैंने 20 मिनट दिया है इसकी। मैंने 8 मिनट इसकी आँच नीचे रखी है और बाकी 12 मिनट इसको मैंने वैसे स्टीम पे रखा हुआ है। बाबू सामने मैं खोलती हूँ, तो अब इसको मिक्स करते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बिल्कुल ये देखें, नीचे से मैंने चावल निकालने हैं और बिल्कुल एक एक दाना है, बिल्कुल भी नहीं है कि ये, देख सकते हैं आप ऐसे हैं। तो अब मैं, बहुत प्यारी खुशबू और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इनको, बिल्कुल दानेदार चावल माशाल्लाह देख सकते हैं आप। अब ये नहीं कि मैंने हंडिया में बनाए हैं तो ये मतलब कि जुड़ गए हैं या नहीं है, तो माशाल्लाह इनको आपको मैं दिखाती हूँ डाल के प्लेट में। जी अब ये तैयार है माशाल्लाह, देख सकते हैं कितना मज़े का लग रहा है। और मुझे तो बहुत भूख लगी, मेरा दिल चाह रहा है फटफट खा लूँ लेकिन मैं खा नहीं रही। सर के पहले मैं आपको दिखाऊँ कि ये रेडी है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी है ये रेसिपी, और आपने इसको ट्राई किया है तो आपका कैसा बना है। तो अब मैं उठाती हूँ इसको और आपको अपने तरीके से भी बताती हूँ मैंने इसको किस तरह खाऊँगी। जब ये मैंने अपने लिए डाले हैं चावल, और मैं आपको बताऊंगी मैं किस तरह खाती हूँ इसको। थोड़े से साथ सैलड, थोड़ा सा दही, और थोड़े से साथ मैं चावल, इस तरह करके मैं खाऊंगी। बहुत ही मज़े के, बहुत मज़ेदार। बहुत मज़े के, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मुझे आप बताइएगा आपने बनाया है तो ये कैसा बना है। मैं खा रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कसम से, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और फिर आप मुझे ज्वाइन देंगे, मैंने आपको एक अच्छी रेसिपी दी है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।